अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। सरज जिला कुपवाड़ा के लंगेट इलाके में इस वक्त मौजूद है। जिस तरह कल आज सवेरे तक 8:30 बजे के करीब जो पेट्रोलिंग पार्टी है खटिया आर के, तो उन्होंने यहाँ पे एक आईडी पाई गई है। उसके बाद उसको तकरीबन 9:30 बजे के करीब यहाँ पे डिफ्यूज भी किया गया है। आपको मेरा कैमरामैन थोड़ा विजुअल भी दिखाएंगे। वही यही वो स्पॉट है जहाँ पे आईडी जो है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने यहाँ पे उस आईडी को डिफ्यूज किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है तमाम जो है। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे लगातार जो है नेशनल हाईवे बंद रखे। उसके बाद जो है गाड़ियों की आमद रफ्ती को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। यहाँ पे तमाम जो है सीआरपीएफ की टीम, जम्मू कश्मीर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो यहाँ पे तैनात रखी। यही वो नेशनल हाईवे कपरा और बारामूला जो है नेशनल हाईवे जो रोड है वहीं पे मैं आपको यहाँ पे विजुअल दिखा रहा हूँ। मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पे भी जो 30 RR के इंडियन आर्मी के जवान है वो भी किस तरह के यहाँ पे तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है आज उन्होंने एक उनको एक हम कहेंगे एक बड़ी कामयाब एक आईडी को यहाँ पे डिफ्यूज किया है। आपको मैं कैमरामैन थोड़ा विजुअल भी दिखाएंगे किस तरह के यहाँ पे इंतजाम किया गया है। यहाँ पे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की टीम फिलहाल तो जो है कानवाई को या गाड़ियों की आमद रफ्त को अब आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। तकरीबन 8:30 बजे की जो 8:30 यहाँ पे जो है जो यहाँ पे नाका पार्टी है या पेट्रोलिंग पार्टी है उन्होंने यहाँ पे एक आईडी पाई गई है। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो है रोड को सील किया गया थे। फिर गाड़ियों को दूसरे रास्ते से आना पड़ता था या विधिपुरा या यारू से जाना पड़ता था। अब थोड़ी देर बाद तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है यहाँ पे उनने आईडी जो है यहाँ पे डिफ्यूज किया है। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ इस स्पॉट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अभी जो है दोनों तरफ से जो है गाड़ी की आवाजाही जो है वो चल रही है। कैमरामैन थोड़ा मेरा विजुअल भी दिखाएंगे। इसी स्पॉट पे हम मौजूद हैं जहाँ पे ये आईडी लगी थी। ये लंगेट नेशनल लंगेट बारामूला नेशनल हाईवे का रोड है वहीं पे जो है आईडी यहाँ पे जहाँ पे इंडियन आर्मी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या सीआरपीएफ की बात करेंगे तो उनकी टीम यहाँ पे पूछे। उन्होंने ये तकरीबन 9:30 बजे जो है वहाँ यहाँ पे आईडी डिफ्यूज की गई। उसके बाद यहाँ पे कानवे जो कपवारा से बारामूला कानवे जाती है रोजाना, तो उसको भी फिलहाल तौर जो है आम गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए फिलहाल तौर रोड को खोल दिया गया है। यहाँ पे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जिस तरह हमने सवेरे खबर चलाई कि उसमें हमने ये कहा कि एक आईडी जो है पेट्रोलिंग पार्टी ने जो है लंगे 30 RR कैंप के सामने जो एक आईडी यहाँ पे पाई गई है। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 9:30 बजे के करीब यहाँ पे आईडी को डिफ्यूज किया गया है। यहाँ पे इस वक्त गाड़ियों के आमद रफ्त को फिलहाल तो छोड़ दिया गया। यहाँ पे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ यहाँ पे तैनात रखे गए हैं। तहम जो है हम ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद है। आप देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट। यही वो स्पॉट है जहाँ पे माइन थी, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे डिफ्यूज किया गया है। उसके बाद कपवारा की जो है बम स्क्वाड टीम यहाँ पे पूछे। उसके बाद 9:30 इसको यहाँ पे बम जो है डिफ्यूज किया गया है। आप देखें अब गाड़ियों के थोड़ा बहुत मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएंगे। गाड़ियों के आमद रफ्त के लिए फिलहाल रोड को छोड़ दिया गया है कि जो नेशनल हाईवे है बारामूला कपवारा रोड जो नेशनल हाईवे है फिलहाल तौर गाड़ियों के आमद रफ्त के लिए रोड को जो है फिलहाल तौर खोल दिया गया है। यहाँ पे मेरा कैमरा मैन आपको यहाँ पे विजुअल दिखाएंगे किस तरह की यहाँ के इंडियन आर्मी जो 30 RR के इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की बात करेंगे वो यहाँ पे तैनात रखे गए हैं। तकरीबन जिस तरह मैंने बताया 8:30 बजे के करीब यहाँ पे जो है पेट्रोलिंग पार्टी ने यहाँ पे एक आईडी पाई गई है। उसके बाद 9:30 बजे के करीब फिलहाल 2 घंटे के लिए रोड भी बंद किया गया है। गाड़ियों के आमद रफ्त के लिए रोड भी बंद किया गया है। फिर जो है गाड़ी जो बारामूला से खनवारा आती है या कपवारा तो उनको यहाँ से दूसरे रोड से जो है गाड़ियों के लिए जो है आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया। अब थोड़ी देर बाद पहले जो है यहाँ पे भी रोड को खोल दिया गया है। यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे तैनात रखे गए हैं। उसके बाद कपवारा के जो है यहाँ पे जो है बम स्क्वाड जो टीम है वो यहाँ पे पूछी है। उसके बाद रोड को दोनों तरफ खोल दिया गया है। आप देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट। वालेकुम सलाम।